अगर ग्वान यून जंग जैसे नेक आदमी का ऐसा अंत हो सकता है तो अब बचा ही कौन है हमारे रक्षा के लिए। ग्वान यून चांग जितना नेक इंसान आज तक कहीं पैदा नहीं हुआ। बच्चे की तरह मासूम जनरल ग्वान की करुणा असीमित थी। बहुत बुरा हुआ, वो बाहर से कठोर थे लेकिन अंदर से एकदम मासूम। फिर भी आज दुनिया पर बुराई का राज है, बुराई का राज है। 20 साल पहले इस युद्ध भूमि पर हान का राज था, फिर मैं चाओ चाओ एक छोटी सेना के सहारे से थोड़ी शांति बना पाया, लेकिन यौन शाओ ने बगावत की और मेरी सेना पर हमला कर दिया। उसके कमांडर यान लियांग ने अपनी शक्तिशाली सेना के साथ बाइमा पर आक्रमण कर दिया। हर बार हम जीतने में कामयाब रहे थे पर इस हार की वजह से हमारा शहर तबाह हो गया था। मेरे जनरल्स अपना दुख छुपा नहीं सकते थे। जंग मैं हार सकता हूं पर मेरी सेना का हौसला कभी नहीं। उस समय ग्वान यून चांग मेरा कैदी था। उसके पास खास काबिलियत थी, कोई उसे हरा नहीं पाता था। मुझे पता था अगर मैं इसे मेरा मोहरा बना लूं तो मैं अपनी अगली चाल चल सकता हूं, ऐसी चाल जिससे हार या जीत तय हो जाती। पर यह मोहरा तो ल्यू बेई का था, आखिर मैं किसी और का मोहरा कैसे खेल पाता। ब्रदर ग्वान, आओ कुछ खा लो। ऐसे वक्त में तुम्हें खाने की पड़ी है। मुझे आपकी मदद चाहिए, क्या आप मेरी मदद करेंगे? मैं एक कैदी हूं, मेरी मर्जी मायने नहीं रखती। अच्छी बात है, क्या आप किसी को मार सकते हैं? क्या उससे जंग खत्म हो जाएगी? हाँ। किसे? पहले खा लीजिए, बाद में बताता हूं। किसे मारना है मुझे अभी बताओ। वो लोग दरवाजा तोड़ देंगे, उन्हें रोको। जी सर। ग्वान यून चांग तो दुश्मन है, वो हमारी तरफ से क्यों लड़ेगा? या ऐसा कोई है जो कभी हमारा दुश्मन नहीं था? शेर को रिहा किया तो वो अपने घर ही लौटेगा। ब्रदर ग्वान, क्या इन 5,000 लोगों में से कोई भी आपको रोक सकता है? मुझे 30 सिपाही चाहिए, कौन तैयार है? हम कभी एक दूसरे से लड़ा करते थे, हम कभी एक साथ नहीं लड़े हैं, पर आज की लड़ाई में बीती बातें भूल जाओ, मेरे साथ लड़ो। मुझे तुम पर भरोसा है। अगर किसी को एतराज ना हो तो मैं तुम सबको भाई कहके पुकारना चाहता हूं। तो भाइयों, ये मेरी गुजारिश है आपसे। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, और कोई है मेरे साथ?
भाइयों, आक्रमण आक्रमण। महाराज हान पधार रहे हैं। ग्वान युनजांग, अब से हान के मार्की हैं और एक कमांडिंग जनरल भी। मुझे नहीं लगता मैं इसके योग्य हूं, मैं इसके काबिल नहीं हूं। ब्रदर युनजांग, आप वफादार हो, नेक हो, इस सम्मान के हकदार हो। बादशाह की जान खतरे में है, फिर भी मैं कुछ नहीं कर पा रहा, क्या यह सही है? तुम्हें लगता है हमारे राजा यहां किसी प्रकार के खतरे में है? दरबार के अंदर हथियार लाने पर सख्त पाबंदी है, फिर भी यहां सारे अधिकारी हथियार लिए खड़े हैं। मुझे ये बगावत लग रही है। हम जंग के बीच हैं, ये सिर्फ हमारे राजा की हिफाजत के लिए है। आपको क्यों लगता है कि बगावत होने वाली है? अगर ऐसी बात है तो चाओ चाओ ने अपना सिर क्यों नहीं झुकाया?
अगर तुम्हें नहीं झुकना है तो कोई जरूरत नहीं। मैं दरबार के नियम नहीं तोड़ सकता। आज मत झुको, आज इसकी कोई जरूरत नहीं। तो उठ जाओ सब लोग, कोई नहीं झुकेगा। मैंने कहा उठ जाओ, चलो उठो उठो, उठ जाओ। मार्की, महाराज भी बोल चुके हैं। ब्रदर यूनचांग, प्लीज उठ जाओ। अरे जनरल गुआन, प्लीज उठो, झुकने की जरूरत नहीं है। जनरल, आपने मेरी जान बचाई है, आपका शुक्रिया। तुमने अपने आप को बचाया है, हमेशा याद रखना। सर गुआन, आप महान हैं। मैं खुश नसीब हूं आपने मेरी जान बचाई। अब मैं और भी खुश हूं कि आप मार्कीज बन चुके हैं। जहां तक मेरा ख्याल है, चाव चाव से बस एक गलती हो गई। मार्की गुआन, सच है मुझसे गलती हो गई है। चलिए मैं चलता हूं। ठीक है, तो आप ही बताइए इसे ठीक कैसे करें। लौट जाओ, लो पानी पियो। मार्की गुआन, ये देखिए, पहले ये जमीन बिल्कुल बंजर थी। हम यहां आए, खेती की, बीज बोए, कई लोगों को लुयांग से यहां लेकर आए। पिछले 6 सालों में कोई भी भूखा नहीं मरा है। आपको मानना होगा, हमने काम तो अच्छा किया है। बुजुर्ग लियू का घर टूटने वाला था, मैंने उसकी मदद की, घर की मरम्मत करवाई। पर कुछ लोग फिर भी कहते हैं कि मैंने ही उसे तुड़वाया। कोई भी मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं। लौट जाओ, आप बातें अच्छी कर लेते हैं। सिर्फ बातें नहीं, ये तो सच्चाई है। सच्चाई यह है कि इस राज्य में तुम्हारा राज चलता है। क्या मेरा राज चलता है? ये बात तो बिल्कुल बिल्कुल बकवास है। हमारे महाराज मुझे मजबूर करते हैं राज करने के लिए। मैं जानता हूँ इस बकवास की कीमत है, ये सदियों तक लोगों को याद रहेगी। पर है तो ये बकवास ही। सिर्फ 2 तरह के लोग इसे मानते हैं, बेवकूफ और बुरे। लियो बे बुरा है, आप बेवकूफ है, वो आपकी बेवकूफी का फायदा उठाता है। मैं आपका आदर करता हूं, आप बहादुर हैं, नेक हैं और एक बहुत अच्छे इंसान भी। ब्रदर गुआन, रुक जाइए, मेरा साथ दीजिए। अगर लियो बे का परिवार तुम्हारे कब्जे में ना होता तो क्या तुम ये पूछते? मार्की गुआन, तुम उन्हें नहीं मारते जिन्हें नहीं मारना चाहिए, है ना? चाओ, क्या चल रहा है? चलो काम पे लग जाओ। एम्परर हान, क्या चाओ चाओ आपसे यह सब करवाता है? बैठ जाओ, देखो वहां वो भी काम कर रहा है। क्या थोड़ी मेहनत कर लेना क्या हमारी शान के खिलाफ हो जाता है? वक्त बुरा हो तो मजदूरी कर लेनी चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं। क्या आपने यहां से चले जाने के बारे में सोचा है?
लगभग पिछले 10 सालों में मैंने बहुत बुरे दिन देखे हैं। एक जगह से दूसरी जगह जाना, जहां जाओ वहां सिर्फ खंडर। वो पानी पियो जो जानवर तक ना पिए। मेरे दरबार के मंत्री मरे हुए साथियों का गोश्त खाते थे, उनका खून पीते थे। अगर एक राजा के पास ही रहने की जगह ना हो तो यह किस तरह का राज्य हुआ? जब मैं पहली बार चाओ चाओ से मिला, तुम्हें पता है मुझे क्या मिला? कुछ गरम रोटियां, ताजा गरम सूप और नरम बिस्तर। क्या इस तरह की मामूली चीजें हान का राज्य खरीद सकती हैं? चाओ चाओ राजा नहीं बनना चाहते हैं। उन्हें नहीं लगता कि एक राजा इस दुनिया को बदल सकता है। राजा के पास तो ऊपर वाले की मर्जी होती है, इससे दुनिया नहीं बदलेगी तो किससे? काबिलियत से। बस इसी चीज की जरूरत है। आज राज्य चाओ चाओ की मुट्ठी में है क्योंकि वो ज्यादा शक्तिशाली है, लेकिन एक दिन मैं उससे ज्यादा शक्तिशाली बनूंगा और वो ये सारा का सारा राज्य मुझे सौंप देगा। मेरे पास ऊपर वाले की मर्जी है तो राज मैं ही करूंगा। ब्रदर गुआन। बेटा, तुम्हारे पिताजी की तबीयत कैसी है? सब ठीक है? अच्छे हैं। पर दवाई खानी पड़ती है। ब्रदर गुआन, क्या खाना तैयार है? मैं जाकर देखता हूँ। जी आप चिंता ना करें, हम ही थोड़ी जल्दी आ गए। यह चाओ मेंगडे, लॉर्ड चाओ चाओ। और आप हैं? कौन है ये लोग? ये सब यहाँ 1 महीने से हैं। ना इन्हें काम मिल रहा है और ना ही खाना। ये सब अपने लोग हैं, इनकी मदद कर सकते हैं आप? फिक्र मत करो, मैं लौट कर आपकी मदद करूंगा। ब्रदर गुआन, ये वही बुरा आदमी है। नहीं बेटे, ऐसा नहीं कहते। लॉर्ड चाओ के पास बहुत पैसे हैं। ये लो रखो, पिताजी के लिए दवाई ले लेना। ठीक है, जाओ। लॉर्ड चाओ। ब्रदर यून चांग, अलविदा। अलविदा। मैंने चाओ चाओ के सारे तोहफे लौटा दिए हैं, हमें उनकी जरूरत नहीं है। ल्यूबे की बीवियों को मेरा प्रणाम। किलान, तुम इनसे बात क्यों नहीं करती? क्या एक दगाबाज आदमी से बात करनी चाहिए? किलान, गुआन को शामिल करना चाओ चाओ की एक चाल है। ल्यूबे को ब्रदर गुआन पर पूरा भरोसा है। ल्यूबे के मंगेतर होने के नाते तुम्हें भी होना चाहिए। क्या तुम्हें ब्रदर गुआन पर भरोसा नहीं है? आदमी के दिल में क्या है ये कौन जान सकता है? चाओ चाओ के लोग झूठे हैं। गुआन यून चांग की काबिलियत सबको पता है। अगर उन्हें जाना होता तो कोई उन्हें रोक नहीं पाता। मैं बस ये चाहती हूँ कि वो ल्यू बे के पास लौट जाए और जू चांग पर हमला करे जब चाओ युआन शाओ से लड़ रहा होगा, तभी वो ल्यू बे के साथ सही करेंगे। वो सही कह रही है। जाओ ब्रदर, किलान कह रही है वैसा करो। ब्रदर ल्यू के पास लौट जाओ। जनरल गुआन, मैं गुजारिश करती हूँ ब्रदर ल्यू के पास लौट जाओ। किलान, उनकी भी अपनी कुछ सोच है। तुम दोनों ही हेडोंग से हो, तुम्हें पता होना चाहिए वो कैसे है। निराश किया उसके लिए माफी चाहता हूँ। अब मैं चलता हूँ। आपको यहाँ रहना भी नहीं चाहिए। ठीक है। क्या तुम्हें पसंद आया? हाँ बहुत अच्छा है। ये तुम्हारे लिए है। ये क्या कर रहे हो तुम? दोबारा करो। मैं आपकी कुछ मदद कर दूँ? इसे पकड़ोगे प्लीज? माँ मैं आ गई। थक गई होगी ना? नहीं तो। डैड आप आ गए?
मैंने सुना है उस बैलगाड़ी चलाने वाले ने मारा है। तुम्हें यकीन है? चलो निकलो यहाँ से, यहाँ कोई तमाशा नहीं लगा हुआ है। लोग क्यों आ गए हैं? चलो उनसे मिलते हैं। जरा वो देखो, वो तो बैलगाड़ी चलाता है ना। हे जबान संभालो, वो अब एक बड़े जनरल है, गुआन योनचांग। अब आप आ गए हैं तो हम शांति से जी सकते हैं। जनरल ल्यू, ये मेरी बेटी है। हमारी बेटी। पीजिए पीजिए। कह रहे हो कि लियू बेई की होने वाली बीवी अपने साथी ग्वान योनचांग पर भरोसा नहीं करती है? जी हां। लियू बेई की कोई खबर? वो योंगशाओ का साथ दे रहा है। ग्वान ने जनरल यांग लियांग को बायमा में मारा था, इसी वजह से योंगशाओ लियू बेई को मारना चाहता है। क्या उसने मार दिया? कोई खबर नहीं मिली। जोर से उठ जाओ। डैड फिर से। सुन लिया मैंने पहली बार में, तुम हेडोंग से आए हो ना? जी हाँ। तुम्हें हेडोंग का खाना बनाना आता है? नहीं। हाँ आता है। हाँ समझ गए, तुम्हें आता है। तीखे हेडोंग खाने के साथ मेरी वाइन अच्छी लगती है, लो पियो। ये उन्होंने खुद ही बनाई है जून चुन। ये सिर्फ एक ड्रिंक ही तो है, फिर आपने इतने सिपाही क्यों बुलाए? क्या आपको लगता है मैं पी के मारपीट करूंगा? जंग के वक्त अनाज कम होता है, शराब के लिए अनाज का इस्तेमाल कानून के खिलाफ है। इस चीज पर यहाँ पाबंदी है, ये गैर कानूनी है। क्या पीने वाले अपराधी हैं? हाँ वो हैं। तो शराब एक बहाना है मारपीट का? शराब पीने के लिए इतना क्यों घबरा रहे हो? मैं पी लेता हूं, घबराने वाली कौन सी बात है। बहुत अच्छे। जनरल ग्वान, हमारे साथ बैठकर जाम पीना क्या ये इतनी बड़ी गलती है? और मैं आपका कानून तोड़ रहा हूं, ये सही है? अच्छा कहा जनरल ग्वान, जंग के वक्त मसाले कम होते हैं, हमने कोशिश की है आपके घर जैसा खाना बनाने की। चेक कर देखिए। आपको घर की याद आई? मेरा कोई घर नहीं है। मैंने ल्योबे के परिवार को घर भेज दिया है, 50 सिपाहियों के साथ रक्षा के लिए। मैं इज्जत करता हूं आपके इस नेक काम की। जनरल ग्वान मुझे नेक कह रहे हैं, मैं इस सम्मान के लायक नहीं। नेक काम करने में और नेक होने में बहुत फर्क होता है। सच है, मैं तो बहुत बुरा आदमी हूं। आओ जनरल ग्वान, एक जाम इस बुरे आदमी के नाम। पर मैं तो बस एक आम इंसान हूं, मुझे इतनी इज्जत और सम्मान क्यों? अगर आपको इज्जत देने से शांति बनी रहेगी तो मैं पूरी जिंदगी आपका दास बनकर रह लूंगा। मैं कोई महान योद्धा नहीं हूं, मैं अमन कैसे लाऊं? आपकी सेना में कई काबिल लोग हैं, मैं रुका तो सिर्फ मुसीबतें आएंगी। ल्यू बेई आपके और जांग फे के लिए क्या करता है? तुम उनकी बराबरी नहीं कर सकते,
क्योंकि हम नफरत से नहीं लड़ते, ना ही जुनून से। आसान है, मेरा साथ दो और तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा। क्या कहते हो? ल्यूबे के परिवार को छोड़ने के लिए आपका शुक्रिया, ये मुझ पर एहसान रहेगा। पर हम दोनों ने साथ निभाने की शपथ ली है, पर उनकी खबर मिलते ही मैं चला जाऊंगा। अगर तुम्हें वो खतरनाक लगता है तो मुझे अभी मार दो। ब्रदर यू चांग, आप सिर्फ ल्यूबे के ही वफादार क्यों हैं? अगर वफादारी खरीद सकते तो उसे खरीदने का कोई मतलब ही नहीं बनता। बिल्कुल सही कहा। गम मिटाने के लिए सिर्फ एक जाम पियो और खुश रहो। जिंदगी छोटी है, पियो। ये मैंने लिखा है। आपको पता है मेरे साथ कई लोग यहां बैठकर जाम पी चुके हैं। जैसे कि कन्फ्यूकस के वंशज कौंग रोंग, राजा कौंग। हाँ, कोई राजा। वो भी यहां बैठे थे मेरे साथ, पर उनको जाम पिलाना आपको रोकने से ज्यादा मुश्किल था। चलो चलो। ठीक है, पहुंच गए। शुक्रिया। आपका कोई घर नहीं है? अगर मैं आपको घर दूं, क्या तब आप रुकेंगे? तुम्हारा मतलब यहां? बिल्कुल। शुक्रिया शुक्रिया। मैं हमेशा से ही तुम्हारे दिल में हूं। मेरे दिल में कोई भी नहीं है, मुझे सिर्फ सपने देखने दो। अगर दिल में कोई नहीं है तो सपने कैसे? मालिक, मैंने उसके खाने में दवा मिला दी है, 4 घंटों तक असर रहेगा उसका। हमने उसे एक्यूप्रेशर से शक्ति इन कर दिया है। सुबह होने तक वहां कोई नहीं जाएगा, कोई भी नहीं। भाभी जी, शर्म कीजिए, ये तो बस एक सपना है। जो हो रहा है होने दो। सपने में भी ऐसी चीजें सही नहीं है। तुम मुझसे सपने में भी प्यार नहीं कर सकते?
तुमने मेरे लिए किसी की जान भी ली थी। मैंने उसे तुम्हें बचाने के लिए मारा था। अगर तुम बोलोगे नहीं तो मेरे दिल को कैसे जानोगे? अगर तुम बोलोगे नहीं तो मेरे दिल को कैसे जानोगे? बोलो, क्या है तुम्हारे दिल में? तुम मेरे दिल को कैसे जानोगे? क्या है तुम्हारे दिल में? क्या है तुम्हारे दिल में? कैसे जानोगे मेरे दिल को कैसे जानोगे? यह गलत है। तुम ब्रदर ल्यू के अमानत हो। कौन हो तुम? किसने भेजा है तुम्हें? ल्यू बे ने भेजा है। वो रुयांग में है यौन शाओ के साथ। जनरल गुआन, मुझे अब मरना होगा, मरना ही होगा। मुझे चाओ चाओ से मिलना है। लौट जाओ, आज शहर छोड़ के चले गए, कब लौटेंगे पता नहीं। उनसे कहना कि गुआन ने अलविदा कहा है। ठीक है, अगर वो जाना चाहता है तो उसे जाने दो। मिलॉर्ड, ये तो शेर को खुला छोड़ने के बराबर है। मैंने उसे वादा किया था। मिलॉर्ड, जंग अब टाली नहीं जा सकती। अगर ये बात है तो हमें रणनीति बनानी पड़ेगी युआन शाओ को हराने की। ल्यू बे पहले से ही युआन शाओ के साथ है और उनके साथ गुआन युनचांग, ये हमारे लिए खतरनाक है। सेनापति सही कह रहे हैं, गुआन युनचांग को हमारी हरकतों का पता है, वो हमसे जरूर बदला लेंगे। मैंने कहा ना, उसे जाने दो अगर वो जाना चाहता है। सुना नहीं तुमने? तुम कह रहे थे ना युआन शाओ का आदमी जैंग ही उसे छोड़ने वाला है। जनरल जैंग शातिर और बहादुर है, पर वहां उसकी कोई इज्जत नहीं, इसीलिए वो हमारे साथ आना चाहता है। इस वजह से वो अपनी ही थाली में छेद करेगा? क्या हमें ऐसा आदमी चाहिए? तुमने मिलवाया है उससे, तुम तय करो मारना है या रखना है। शुक्रिया मिलॉर्ड। युआन शाओ हमला करेगा, सन की सेना मौका मिलते ही लड़ाई में शामिल हो जाएगी। हमारी रणनीति क्या हो सकती है? 5,000 सिपाहियों के साथ पीछे से वार करते हैं। 30 गुप्त हथियारों को सन के जनरल के पीछे भेजो। ठीक है, आगे बढ़ो। भाभी जी, गुड मॉर्निंग, हम अभी निकल सकते हैं। आपकी मेहरबानी के लिए शुक्रिया ब्रदर। आपकी मेहरबानी के लिए शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उठो 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 उठो, सुनो, बहुत शुक्रिया, उठो तुम सब, उठो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उठो उठो तुम सब, उठ जाओ, शुक्रिया, उठो। ये लॉर्ड चाओ की तरफ से है, अगर शुक्रिया अदा करना है तो लॉर्ड चाओ का करो। ब्रदर गुआन, हम अभी लौटे हैं, लॉर्ड चाओ ने सब ठीक कर दिया है। अच्छी बात है। ब्रदर गुआन, लॉर्ड चाओ ने आपके लिए भेजा है। तुम रखो, अपने परिवार के लिए खाना ले लेना।
अपनी माँ की बात मानना, ओके? ख्याल रखना अपना। अपना ख्याल रखना। ब्रदर गुआन, आपका शुक्रिया, सब बहुत से ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। चलिए भाभी जी चलते हैं। गुआन यूनचांग आ रहा है, कोई रहम मत करना। रुको, ठीक है जाओ। ये बहुत ताजा है। नहीं नहीं धन्यवाद। इसका कितना? आपको ये चाहिए? नीचे उतरो। तुम्हारे कागजात? मेरा नाम गुआन यू चांग है। तुम्हारे कागजात नहीं है? मैं तुम्हारा यकीन कैसे करूं? चंद्र, बताइए जनरल, क्या कोई परेशानी है? इन्हें भी उतरना होगा। तुम इनकी तलाशी लोगे? मुझे अपना काम करने दो। माफ करना भाभी जी। मुझे ग्वांग युंग चांग को मारने के आदेश मिले हैं।
चाओ चाओ ने मुझसे वादा किया था। अगर मैं जाना चाहूं तो वो मुझे नहीं रोकेंगे। वो तुम्हारे और उसके बीच की बात है, मैं आदेशों का पालन कर रहा हूं। तो मुझे कौन चाओ चाओ मारना चाहता है या कोई और है? हाँ, आदेश महाराज का है। मारकर ही दम लोगे? मैं आदेश पूरे करूंगा। दक्षिण का रास्ता सुरक्षित नहीं लग रहा, कल से उत्तर की ओर चलेंगे। मैं किसी और को नहीं मारना चाहता। जनरल, आज जो हुआ उसमें आपकी गलती नहीं थी। एक सिपाही को सिर्फ जंग के मैदान में मारना चाहिए। यह जंग का समय है, कोई और चारा भी तो नहीं था। मैं आपकी संवेदना समझ सकती हूँ, पर आपके लड़ाई के तरीके खास हैं, इसलिए आप बुराई से लड़कर सही राह दिखा सकते हैं। बस मैं लापरवाह हूँ, इसके अलावा और कोई बात नहीं है। भाभी जी, ये छुरा आपके पास रखिए, अगर जरूरत पड़े तो। आपने तो कई जानें बचाई हैं। उससे भी कई ज्यादा जानें ली हैं। सुबह होने को है भाभी जी, सफर लंबा है, थोड़ा आराम कर लीजिए। Yeah।
वो यहीं कहीं आसपास है, चलो चलते हैं। अनफू, मुझे भूले तो नहीं? ब्रदर गुआन, आप ठीक तो है ना? हान, यह ल्यूबे की होने वाली पत्नी। ब्रदर गुआन, क्या आप खुश हैं? नहीं हान, तुम्हारे जितना बिल्कुल नहीं। ल्यूएंग में जो भी काम चल रहा है, हर जगह तुम्हारे ही आदमी है। ये सब उस बुरे डोंग ज़ियू की वजह से हुआ। उस नालायक ने तो पूरा शहर ही तबाह कर दिया। तो हान, तुमने कलाकारी छोड़ी तो नहीं ना? मेरा अब उस दुनिया से कोई रिश्ता नहीं। आह, बुरा हुआ। आखिर तुम जाने जाते हो तलवार और खुफिया शस्त्रों के उस्ताद के नाम से। हाँ, पर उन बुरे कामों की सजा मुझे मिली। मैंने अपना घर, अपना परिवार सब खो दिया। दरअसल अगर ब्रदर गुआन न होते तो मैं इस एक हाथ से कहीं ज्यादा खो देता। दरअसल मुसीबत में मदद करना तो फर्ज होता है। बात यह है कि मैं ल्यूबे के पास जा रहा हूं। देखो, मुझे लगता है कि तुम और तुम्हारे आदमी भी आए। नहीं, मैं नहीं आ सकता। मैंने 10 साल तक तुम दोनों का साथ दिया है। अब मुझमें लड़ने की कोई इच्छा बाकी नहीं। ठीक है, मैं तुम्हारा इरादा नहीं बदल सकता, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम एक नाव का इंतजाम करो जिसके जरिए हम ल्यूबे तक पहुंच पाए। भाई, आप क्यों और लड़ना चाहते हैं? पहले न जाने कितने लोग मर चुके हैं। पहले हम लड़ते थे अमन और शांति के लिए, लॉर्ड चाओ की वजह से अब हमारा भला हो रहा है। कुछ मुश्किलें हैं, पर जिंदगी पहले से तो अच्छी है। तुम अब चाओ चाओ के आदमी हो। मैं एक आम आदमी हूं। लॉर्ड चाओ बस इतना चाहते हैं कि मैं अपनी जिंदगी खुशी से जीऊं। तो तुम मुझे जाने नहीं दोगे? हां जनरल गुआन, मैं आपको नहीं हरा सकता, पर राजा के आदेश का मुझे पालन करना होगा। ब्रदर गुआन, आपने बचने की कोशिश क्यों नहीं की? आप जानते थे कि वो एक जहरीली सुई है। क्योंकि तुम मेरे भाई के समान हो, तुम दुश्मन नहीं हो, इसलिए मैंने तुम्हें यह करने दिया। पर अब और नहीं, अब तुम्हारी बारी है। तुम हटे क्यों नहीं? तुम भी मेरे भाई समान हो, मैं तुम्हें कैसे मार सकता हूं? ब्रदर, मैं तुझे मार दूंगा। मारो, मारो, मारो। मारो।
जनरल। भाभी जी, मैं ठीक हूं। मैं तलवार से तुम्हारा सर काट दूंगा और हानफू की मौत का बदला लूंगा। मुझे मारना है तो मार दो, पर उसे जाने दो। Thank you.
जनरल। कौन हो तुम? जनरल आपको होश आ गया? मैं यहां पढ़ाता हूं, नाम है पुजिंग। शुक्रिया, आपने मेरी जान बचाई। कैसी बात कर रहे हैं जनरल? मैंने तो बस मरम पट्टी की है। पिछले 10 दिनों में मिस किलान आपके साथ दिन रात बैठी थी, प्रार्थना कर रही थी बुद्ध से आपको ठीक करने के लिए, और बुद्ध ने उनकी सुन ली। जहर आपकी हड्डियों तक पहुंच गया था। मैं इतना निपुण नहीं हूं, इसलिए पूरी तरह निकाल नहीं पाया, और मुझे डर है कि अगर ज्यादा ठंड होगी तो आपकी हड्डियों में दर्द हो सकता है। दरअसल मैं जिंदा हूं, ये काफी है। जिंदगी हो तो सुखी हो, दर्द भरी नहीं। क्यों? आपने बिल्कुल सही कहा, मैं हमेशा मुसीबत में फंसता हूं। हाँ वो ठीक है, पर अगर मुसीबत खुद तुम्हारे पास आए तब भी तुम्हारा दोष है। जनरल गोन जा चुके हैं, उन्होंने मुझे आपको ल्यूबे तक सुरक्षित पहुंचाने को कहा है। वो कहां जा रहे हैं? मुझे नहीं मालूम, उत्तर के रास्ते के बारे में मुझसे पूछ रहे थे। मेरे ख्याल से वो सेना को चकमा देना चाहते हैं ताकि हम रुयांग तक सही सलामत पहुंच पाए। तो तुम हो गुआन युनचांग, और तुम बियानजी जिसने 50,000 लोगों को बेरहमी से मारा था। 50,000 बेकार राजद्रोही थे, कोई नुकसान नहीं। लेकिन यह कभी मत भूलना कि तुम भी राजद्रोही थे। मैं तब बहुत भूखा था और राजद्रोह से मेरा पेट नहीं भरा। देखो आज मेरे पास सब कुछ है, मैं अपनी भलाई के लिए बदल गया। तुम भी वैसे ही हो। हां सही कहा, लेकिन मैंने पेट भरने के लिए जान नहीं ली। नहीं, तुम बिल्कुल मेरे जैसे हो। हमला! Ugh!
ग्वांडू में यौन शाओ की 100,000 लोगों की सेना है और हिताओ में एक और बड़ी सेना। ये सीधा वार करेंगे, वो भी तेजी से, जैसे खरगोश पर शेर सवार हो। यौन शाओ तो है ही एक जानवर, हम अलग अलग दिशाओं से गुरिल्ला तरीके से हमला करेंगे। शेर को भी 4 आंखें 12 हाथ नहीं होते। लियो बे कहां है? रुयांग में, वो भी सिर्फ 10,000 की सेना के साथ। अगर वो यहां है तो ग्वान उत्तर की ओर क्यों जा रहा है? डोंगलिंग का कोंगसियो, लुयांग के मेंगडान और हानफू और यीशुई पास का ब्यांगजी सब के सब मारे गए ग्वान की तलवार से। कोई मुझे बताएगा क्या हो रहा है? वो आदेशों का पालन कर रहे थे गद्दार को रोकने के। आदेश? किसके आदेश? जहां तक मुझे याद है, मेरा यही आदेश था कि उसे जाने दिया जाए। क्या ये गलती है या बगावत? मिलॉर्ड, मैंने आदेश दिए थे। मैं था, मैंने आदेश दिए थे। मैंने आदेश दिए, नहीं मैं था, नहीं मैंने आदेश दिए, नहीं मैंने आदेश दिए थे। सब झुके हुए हैं, क्या बात है? क्या ये एक बगावत है? लग तो कुछ ऐसा ही रहा है। मिलॉर्ड, हम आप ही के साथ है। बात यह है कि ग्वान युनचांग बहुत खतरनाक है, हम उसे खुला नहीं छोड़ सकते। तुम भी इनकी तरह ही बगावत करने वाले हो। जंग नहीं रुक सकती। अगर किसी को सजा देनी है तो मुझे और सिर्फ मुझे दीजिए। और क्या वो काफी होगा? सर, इसमें इनकी क्या गलती है? इससे पहले कि खुद के साथ कुछ गलत हो, पहला बार खुद करो, यही कहा था ना आपने? क्या कहा था मैंने? इससे पहले कि खुद के साथ कुछ गलत हो, पहला बार खुद करो, ये आप ही के शब्द थे। हाँ, मैंने कहा था। उठ जाओ सबके सब, तुम सही हो, मैं गलत। ग्वान युनचांग ने कहा हम में जुनून नहीं है, सही कहा था उसने। तुम्हारा हाथ दिखाओ। मैं अपने लोगों को ही नहीं जानता तो राज्य कैसे संभालूंगा? आप कर सकते हैं क्योंकि आपका दिल साफ है।
क्यों फिजूल में अपनी जान गंवाना चाहते हो? हाँ, अगर मैं तुम्हें थोड़ी देर के लिए भी रोक सका तो फिजूल नहीं होगी। तुम्हें लगता है मैं लोगों को मार दूंगा? इन दिनों किसका भरोसा कर सकते हैं? चाओ चाओ ने मुझे छोड़ने का वादा किया था, फिर उसने मुझे मारने का हुक्म क्यों दिया? अब तुम किसका भरोसा करोगे? कानून तय करेगा क्या सही है क्या गलत। अगर मैंने कानून तोड़ा है तो मुझे सजा मंजूर है। वांगजी, जब यह खत्म होगा मैं जिंगयांग लौटूंगा और तुम्हारे कानून का सामना करूंगा। फिक्र मत करो, ये कभी खत्म नहीं होगा। दो दिन पहले एक साधु और एक लड़की रुयांग जा रहे थे। मैं अपनी सेना के साथ नानयांग तक गया और उन्हें जिनयांग ले आया। कहां है वो? मैंने जोदु में खबर कर दी है कि वो लोग कहां पर छिपे हुए हैं। मैं तो कहता हूं कि तुम भी वहीं पर चले जाओ और जल्दी करना, वरना वो लोग भूख से मर जाएंगे। कहां है वो बताओ, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। कोई फायदा नहीं। गलती है। चुप रहो, जोर से मत बोलो। मेरा नाम है गुआन युनचांग। मैं एक लड़की और साधु की तलाश में हूं। किसी ने देखा है क्या? किसी ने उन्हें देखा है? इसने सरवोंग को मार दिया। इसने सरवोंग को मार दिया। मेरे बेटे को छोड़ दो, मेरे बेटे को छोड़ दो।
मुझे दुख है कि लुयोंग के बाहर अभी भी हालात बुरे हैं। बुराई या अच्छाई यह आप पर निर्भर है। आप जो देखना चाहते हैं आपको वही दिखेगा, दुख या खुशी। मैं तो हर जगह खुशियां देखना चाहता हूं, लगता है मेरी किस्मत में ही नहीं है। अति किसी चीज की भी हो हानिकारक हो सकती है। तो अच्छा होगा कि किसी भी चीज की इच्छा ना करें। हर बुराई में कुछ अच्छाई है और हर अच्छाई में कुछ बुरा। आपको क्या ज्यादा दिखता है ये सिर्फ आप पे निर्भर है। तो मैं मेरी इच्छाएं कम कर दूंगा। घोड़े तैयार हैं, हमें बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं चलता हूं, नमस्कार। शुक्रिया सीख देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे दीजिए। बैठो। तुम्हारी नजरों में मैं अच्छा हूं या बुरा हूं? ये दोनों ही लोगों की कल्पनाएं हैं। जब पहली बार तुमने मुझे रोका तब लोगों को मारने के लिए रोका, कितनी जानें काफी होंगी? हां, तुम ग्वान योनचांग एक महान योद्धा हो, ऐसे वक्त में कोई दूसरा रास्ता है? हां, लेकिन कितने? यून शाओ के पास 2,00,000 की सेना है, 20,000 मार दो वो तबाह हो जाएंगे, हम जीत जाएंगे। लेकिन उसके बाद क्या, अमन और शांति होगी? हम सन की सेना को मार गिराएंगे, पश्चिम द्वार हमारे कब्जे में होगा। और फिर? फिर क्या, जब सारे राज्य हमारे होंगे तो मेरे ख्याल से शांति ही होगी। वादा कर सकते हो? नहीं, लोगों पर भरोसा नहीं कर सकते, सिर्फ कायदे और कानून पर। लेकिन अगर आम लोगों में नेकी नहीं है तो कानून कैसे बनेगा? इतनी दुश्मनी में नेकी कैसे जिंदा रह सकती है? क्या 20,000 लोगों को मारेंगे तो और दुश्मन नहीं बनेंगे? ये छोटी सी कीमत तो चुकानी पड़ेगी। अगर मैं सीधे युआन शाओ को मार दूं तो? बहुत बढ़िया, ऐसे तो तुम 20,000 जाने बचा लोगे। कहां मिलेगा युआन शाओ? तो आप मेरे साथ हैं? नहीं, अभी नहीं। युआन को मारने के बाद मैं आम जिंदगी जीना चाहता हूं। ये मुमकिन नहीं, महान आदमी कभी आम जिंदगी नहीं जी सकता। और तो और, ल्यू बे भी तुम पर गुस्सा होगा। अच्छा होगा अगर तुम मेरे साथ जुड़ू चलो। ल्यू बे काफी दयालु है और समझदार भी, वो समझ जाएंगे। और वैसे भी मेरी यहां रुकने की कोई वजह नहीं है, तो फिर मैं क्यों रुकूं? इससे अच्छा होगा मैं घर चला जाऊं, खेती करूं, क्या कहते हो? ठीक है, वादा रहा। सर, क्या ग्वान युनचांग सच में रुकने वाले हैं? एक अच्छा घोड़ा पुरानी घास क्यों नहीं खाता? शायद इसलिए कि वो ताजी नहीं है। बिल्कुल सही, ल्यूबे का समय चला गया है, अब इस चाओचाओ का समय शुरू हुआ है। भाभी जी, इसके आगे आपको अकेले जाना है। मैं चलता हूं। जनरल, जनरल। भाभी जी। जनरल, इतने लंबे सफर के बाद अब अलविदा। उस दिन चाओ चाओ ने आपके खाने में कुछ मिलाया था, मेरे नहीं। आपके जज्बात
अब मुझे अच्छी तरह पता है। रुयांग में मैं लियू बे से दरख्वास्त करूंगी कि वो हमारी शादी के लिए जा सके। ये क्या बचपना है, तुम उसकी हो चुकी हो, ऐसी बात कैसे कह सकती हो? पर सच तो ये है कि मैं आपको चाहती हूँ। जो खतरे आपने मेरे लिए उठाए हैं वो मेरे दिल में बस चुके हैं। कई सालों पहले जो आपने किया था वो कभी बताया क्यों नहीं? ये मत कहना कि आपने मुझसे प्यार नहीं किया। अगर आप भी मुझसे प्यार करते हैं तो लियू बे हमें इजाजत दे देंगे। चलिए मेरे साथ। अगर मैं नहीं आया क्या फिर भी प्यार करोगी? अलविदा। चाओ चाओ का साथ मत दीजिए। छुरा नीचे रख दो। अगर मैं आपसे प्यार नहीं करती तो क्या आप लियू बे के दुश्मन होते? तुम गलत समझ रही हो। लियू बे के राज्य में ही अमन हो सकता है लेकिन चाओ चाओ के राज्य में सबका बुरा ही होगा। मुझे बस सही काम करना है। क्या आपके पास मारने के अलावा और कोई रास्ता नहीं? शायद और कोई रास्ता नहीं है। तुम ब्रदर लियू से कह देना। युन चांग अब मर चुका है। मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं, चिंता मत करो। वादा करता हूं ब्रदर लियो को मैं निराश नहीं करूंगा। अपना ख्याल रखना। मलाड, देखना चाहेंगे क्या हो रहा है? एक महान आदमी भी एक लड़की के सामने हार सकता है। छोड़ दो उन्हें। लॉर्ड चाओ की रक्षा करो। किसने आदेश दिया? क्या वो तुम थे? मार दो इसे। मैंने आदेश दिया। Thank you.
मैंने आदेश दिया, अगर आपने उसे छोड़ दिया तो शांति कभी नहीं बन पाएगी। क्या मैं उसे नहीं मार सकता? तो कर दिखाओ, वरना आज से दुनिया में शांति नहीं बचेगी। ठीक है, मैं उसे मार दूंगा। महाराज, हमें चलना चाहिए। हम अभी नहीं जा सकते। मुझे मारना चाहते हो ना? आदेशों का पालन कर रहा हूं। आदेशों का पालन करोगे? आदेशों का पालन करोगे जब तुम्हारी जिंदगी का सवाल है? मेरी जिंदगी मेरे हाथों में नहीं, और ना ही तुम्हारी। हट जाओ सब, जो भी रोकेगा उसे मार दूंगा। किसी ने उसे छुआ तो मैं उसे मार दूंगा। ब्रदर ग्वान, लड़ना छोड़ो। तुम एक बुरे राजा हो, आदेशों का पालन? तुम्हें और तुम्हारे बुरे आदेशों को मार दूंगा। रुक जाओ, मेरे साथ ऊपर वाले की मर्जी है, मुझे नहीं मार सकते। तुम्हारे पास मर्जी होगी, मेरे पास राह है। ग्वान युन चांग, तुम महाराज को नहीं मार सकते, वरना सब कुछ तहस नहस हो जाएगा और ज्यादा लोग मरेंगे। समझ रहे हो तुम? एक लड़की जिसने तुमसे प्यार नहीं किया, ऐसी लड़की के लिए तुम दुनिया से लड़ने तैयार हो गए? वो तुम्हारी भाभी थी, किसी और की अमानत, वो कभी तुम्हारी थी ही नहीं। मैं वादा करता हूं, जब शांति कायम होगी मैं खुद इस बुरे आदमी को मार दूंगा। और मैं अपने वादे कभी नहीं तोड़ता। ये सारी दुनिया तुम भी संभाल नहीं पाओगे।
भाभी जी, चलिए चलते हैं। सात सालों तक वॉन यू चांग ल्यू बे के साथ लड़ा वी और वू की सेनाओं के खिलाफ। चाइना जैसे नर्क बन चुका था। 20 साल बाद वी और वू ने वॉन पर हमला किया और सिपाहियों का इंतजार करते करते वो अंत तक लड़े। वॉन को पकड़ा गया और मार दिया गया। उनका सर कलम करके चाओ चाओ के पास भेजा गया। मैं चाहता हूं कि सब ये बात जान ले। वो एक बकरी की भेस में भेड़िया था जिसने ग्वान युनचांग को मारा। आपका मतलब है बू के सन क्वान? वो तो बस एक जरिया था। गुनेगार लियो बे और कॉन्ग मिंग हैं। सबको ये बात पता होनी चाहिए। वही लोग थे जिन्होंने ग्वान यू। और अब तो लड़ाई और भी बढ़ेगी। बिल्कुल। और बिना ग्वान युनचांग के जीत किसकी होगी ये कहना बहुत मुश्किल है। अब कुछ भी निश्चित नहीं है। मैंने ये नहीं सोचा था कि मरने के बाद भी वो आपके काम आ सकते हैं। मैंने कब कहा कि मैं भेड़िया नहीं? चाओ चाओ ने ग्वान के सर को इज्जत से दफनाया शू और वू के बीच लड़ाई करवाने के लिए। वू ने ग्वान के शव का अंतिम संस्कार किया और उनके नाम पर एक मंदिर भी बनवाया। पर उनकी जोड़ी जल्द ही टूट गई। ग्वान युनचांग को श्रद्धांजलि देने के बाद ल्यू ने फिर एक बार वू पर हमला किया।天涯是谁在陪朝夕？
秋冬的事情，为兄